तो मेरे पास फॉलोपियन ट्यूब टेस्ट कराने के लिए एनिस्थीसिया लेना पड़ता है, जो कि बेहोश होकर टेस्ट होता है। उसका कुछ 5,500-6,000 रुपया हो रहा था, और रिसेंट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने वो टेस्ट जो है, जो लड़कियां बेहोश होकर करती है, मैंने उसको होश में किया है, बिकॉज मुझे वो करना था, मुझे बेबी चाहिए था। तो वो जो डाई डाली जाती है वो आपके पूरे फॉलोपियन ट्यूब में जाती है, और वो डाई जैसे डलती है अंदर तो वो बहुत जलता है, यू नो इट्स वेरी पेनफुल। और मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको होश में लूँ, बिकॉज वो 5,500-6,000 रुपये का था, और वो इतने पैसे नहीं थे। तो अगर मुझे उसको कम पैसों में करवाना था, तो मैंने उसको होश में रखी वो चीज़ की, बिकॉज मैं चाहती थी बच्चा, वो चाहता नहीं था बच्चा, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे उसके, यू नो पैसे तो थे उसके पास, उसकी नीयत नहीं थी बेबी को देने के लिए। सो ये इस तरह से ऑटो के मुझे उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजने पड़ते थे व्हाट्सएप पे। ये मीटर का फोटो है। या इससे उसको पता चल जाता था कि मैं बाहर गई तो मेरे ट्रैवलिंग के कितने पैसे हुए, मैं कितना किलोमीटर गई हूँ, बिकॉज वो मेरे पे शक करता था कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ गई हूँ, तो इसमें किलोमीटर्स वगैरह सब आ जाता, फिर वो गूगल पे चेक करता था। कौन हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे लिखवा के लेता है कि तुम मुझे लिख कर दो कि इस महीने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्चे हुए। दिस इज, ये सुरभि जी के सिग्नेचर है, इन्होंने लिखा है आई कन्फर्म ऑल ओके, ये हिसाब किताब है जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, और ये इनके सिग्नेचर है 15 जून 2019। मतलब दिस इज द ओनली वन पेज, आप इसके तो और 3 पेजेस हैं जहाँ पर उसने मुझसे लिखवा के लिया है, ऐसे हिसाब होता था, हिसाब करता था वो बैठ के। हाँ, ये ऊबर के से स्क्रीनशॉट उसको देने पड़ते थे कि ये इतने पैसे आए, तो वो पैसे देंगे। हाँ, वो मतलब कार्ड यूज करेंगे, फिर ओटीपी आएगा, फिर पैसे जाएंगे। ये खाने का उसको हिसाब देना पड़ता था कि बाहर खाना खाया है तो कितने में खाया है। 125 रुपए का हिसाब दे रही है। मेरे पास 20 रुपए का वड़ा पाव का भी हिसाब है इसी व्हाट्सएप चैट में। 20 रुपीज का वड़ा पाव मैंने खाया है, राशन खरीदती थी तो उसके स्क्रीनशॉट भी उसको देना पड़ता था, उसके बिल का उसको फोटो खींच के देना पड़ता था। अपनी 3 years आई हैव गॉन थ्रू दिस, यू नो मतलब आप एक वड़ा पाव खाने के भी पैसे मुझे उसको लिख के देना पड़ता था। जब मैं उसको लिख कर देती थी तो हमारे बीच में चीज़ें बहुत ठीक रहती थी, उसको पता था कि ये कहाँ गई, उसने क्या खाया, उसके ऑटो के बिल, ऊबर के बिल्स। मैं लोखंड वाला में जिस जगह पे मैं सोना खरीदने के लिए जानी जाती हूँ, मैं उस दुकानों में अपना सोना बेच रही थी फॉर टू पे माई मेडिकल बिल्स। मेरा लीवर जो है वो डैमेज होने पे आ गया था बिकॉज ऑफ माई वेट। ये देखिए, पीरियड्स को पेन में मुझे इतना परेशान करता था। फिर एक दिन मुझे ये फेसबुक से मिला था, तो मैंने उसको भेज दिया था कि देखो फाइनली डॉक्टर भी बोल रहे हैं ये आपको क्या, उसको बताना पड़ा कि मुझे पीरियड्स में दर्द होता है। वो मानता ही नहीं था, वो कहता था कि तुम नखरे कर रही हो, और तुम वो समझता ही नहीं था कि मुझे पेन है तो मुझे आराम करना चाहिए। मैं पेन किलर खा के सो भी नहीं सकती थी, वो मुझे उठा देता था। जैसे मुझे पीरियड्स के पैड के लिए वो चिक चिक करता है। आई हैव फोन रिकॉर्डिंग जहाँ वो मुझे टैम्पॉन्स और पीरियड्स के पैड के लिए परेशान करता है, और 7 लाख रुपए सैलरी के बाद वो इंसान पैड्स नहीं लेने थे। कितनी घृणा वाली बात है ये। उसको खुद को 2 बहनें, ये इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता था कि चेक करो मेरी बीबी के नाम में है क्या, उसकी स्पेलिंग को चेंज करनी होगी क्या, ताकि वो विधायक बन सके। मेरी जो लॉयर है वेदिका चौबे, वो और उसकी टीम, उन्होंने इतना मेहनत किया है, एक दिन में उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, और मतलब वो शी इज़ नॉट ओनली अ लॉयर, शी इज़ लाइक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एवरीथिंग, फैमिली मेंबर, शी इज़ माई साइकोलॉजिस्ट, एवरीथिंग। उसने मुझे बैठ के ना कितने बार, मतलब वो साइकाइट्रिस्ट जो हेल्प होती है, साइकोलॉजिस्ट होती है, जो सुनना चाहिए होता ना कि इतना प्रॉब्लम है, था मैं उसके ऑफिस जाके घंटों बैठती थी और मैं वहाँ रोती थी इन चीज़ों तो से, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम करेंगे। सब में डिप्रेशन और आई 2 बार मैं अंबानी डॉक्टर्स दिखा चुकी हूँ। मैं अक्यूट डिप्रेशन में थी, मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी, मैं घंटों एक जगह बैठ के सोचती रहती थी कि मैं, ये बंदा ने क्या दिखाया अपने आप को, और ये क्या निकल गया है। ये दिस इज प्रवीण की मॉम, मिसेस लीला सिन्हा। तो झूठ भी बोला था उस समय, पोजीशन पे थी नहीं, लेकिन ओ, ये बना के भेजा था इनको, शादी से पहले का दिखावा। नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री, नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा।
आप सभी मुझे जानते हैं, लॉकडाउन के समय से जब मैं सभी के साथ खड़ी थी कोविड में, और आप सभी की दुआओं से मैं वापस आप सभी के सामने आज हूँ ठीक ठाक अच्छी हालत में। मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने आई हूँ, कुछ शेयर करने आई हूँ, किसी को आपसे मिलवाने आई हूँ। दो रात पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा NBT पर ही, क्योंकि मैं NBT को फॉलो करती हूँ, मुझे नोटिफिकेशन आया रात के 2-3 बजे, मैंने वो इंटरव्यू देखा। वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि मैं उस इंटरव्यू को देखते देखते 39 मिनट्स तक पहुँच गई, एक भी सेकंड मैंने मिस नहीं किया। और मैं सोई नहीं हूँ दो रात से, मैं शायद कोई भी लड़की नहीं सोएगी, शायद लड़के भी ना सोएं जो हमारे भाई हैं, जो अच्छे हस्बैंड्स हैं, या जो कोई रो रहा था उस इंटरव्यू में, बहुत रो रहा था, बहुत फूट फूट के रो रहा था, किसी की हालत बहुत ख़राब थी। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, TV एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस, जिन्होंने पेजेंट्स जीते हैं, बहुत खूबसूरत चेहरा, शगुन, हमने उन्हें शगुन में देखा है, सुरभि तिवारी जी। मैंने NBT से संपर्क किया और मैंने NBT को बोला कि मुझे मिलना है और आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो फिर से रोएं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें एक हक की ज़रूरत हो, शायद उन्हें ज़रूरत हो कि कोई उनके साथ खड़ा रहे, तो मैं उनके साथ खड़े रहने आई हूँ। एंड Oh God, I really needed this. Thanks. So, Surbhi Diwari ji, such a beautiful face, जिन्हें हम छोटे से देखते चले आ रहे हैं, हमारी मदर, हमारी फैमिली, आप सभी के सामने हैं। 3.5 साल की वेडिड जो इनकी शादी रही है, कोई भी दुल्हन ऐसी तो नहीं होती, 3.5 साल में हम कंसीव भी नहीं करते हैं इतनी जल्दी। लोग प्लानिंग करते हैं, टाइम लेते हैं, और इनकी शादी में इनके साथ पहले दिन से धोखे होने शुरू हुए। ऐसी ऐसी बातें जो उस इंटरव्यू में भी नहीं थी, आज जब मैं इनसे मिलने यहाँ पर आई तो मुझे पता चली, और मैंने इनसे इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ जुड़कर सबको वो बातें बताएं, ताकि सब आपके साथ खड़े हो जाएं। और मुझे नहीं पता कि हम कितना सुन पाएंगे और हम कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम बस बैठे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े होकर इनका साथ दें। थैंक यू। लाइक मुझे यू नो एवरीवन इज़ लाइक कि अरे यार कहाँ, कैसे तुम फंस गए, यू नो। तो आई सेड लाइक आई एम सॉरी बट आई मैरिड अ कॉर्न फैमिली, यू नो, आई गॉट मैरिड इन टू अ कॉर्न फैमिली, और मेरा हस्बैंड यू नो इस तरीके के वो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता रहता था। जहाँ इसमें लिखा है, मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री पति को बादशाह बनाकर रानी बन जाती है। मतलब पति को बादशाह बनाना है ऐसी, हाँ, उसे एक औरत की ज़रूरत है जो उसको बादशाह बनाए, उसमें खुद में रीढ़ की हड्डी नहीं, ताकत नहीं बादशाह बनने की। वो मेरे सामने अपनी मम्मी को बोलता था, ये विधायक बनेगी, ये मुझे 100 करोड़ करके देगी। एंड आई टू टेल प्रवीण, तुम अपनी मॉम के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो, तुमको अगर इतने ही पैसे चाहिए तो तुम खुद करो ना, और वाई एवरीथिंग इज़ बॉइलिंग डाउन टू पॉलिटिक्स, हर चीज़ पॉलिटिक्स से पैसे क्यों बनाने हैं, और भी बेहतर चीज़ें हैं लाइफ में करने की, बट दिस इज़ द वे दे आर। कौन हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे लिखवा के लेता है कि तुम मुझे लिख कर दो कि इस महीने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्चे हुए हैं। दिस इज़, ये सुरभि जी के सिग्नेचर है, इन्होंने लिखा है आई कन्फर्म ऑल ओके, ये हिसाब किताब है जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, और ये इनके सिग्नेचर है 15 जून 2019। मतलब दिस इज़ द ओनली वन पेज, आप इसके तो और 3 पेजेस हैं जहाँ पर उसने मुझसे लिखवा के लिया है। ऐसे हिसाब होता था, हिसाब करता था वो बैठ के, और मुझे बोलता था कि तुम साइन करके दो मुझे। ये सारे हिसाब होते थे, ये होटल में जब उसके पास डायरी नहीं थी तो वो होटल के वो पैड के ऊपर लिख के लेता था। और ये सब कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। या सो दिस वाज एंड पीपल इस आदमी के साथ बोलते हैं शादी चलाओ, यू नो। या आपकी फैमिली आपके साथ होगी? बिल्कुल सपोर्ट नहीं है मुझे किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं है मुझे। ये देखिए, दिस इज़ एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है घर के पास में, और मुझे वहाँ बोला गया जाने के लिए, बिकॉज ही सर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जाती थी,
और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको आप HSG करवाइए, आपका फॉलोपियन ट्यूब टेस्ट करना है कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो मेरे पास फॉलोपियन ट्यूब टेस्ट कराने के लिए एनेस्थीसिया लेना पड़ता है, जो कि बेहोश होकर टेस्ट होता है, उसका कुछ 5,500-6,000 रुपया हो रहा था। और ही सेड मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने वो टेस्ट जो है जो लड़कियां बेहोश होकर करती है, मैंने उसको होश में किया है, बिकॉज मुझे वो करना था, मुझे बेबी चाहिए था। बीइंग अ नर्स ये बहुत पेनफुल होता है फेलोपियन ट्यूब टेस्ट, और ये इन्होंने बिना एनेस्थीसिया के किया 300 रुपये में, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी औकात इतनी थी, औकात तो बहुत थी, लेकिन वो पत्नी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, बहुत कुछ दिखा के एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी बातें तय हुई होंगी किस तरह। ये देखिए, उसने क्रेडिट कार्ड तो मुझे दिया था, लेकिन उसका OTP भी उसके पास आता था। अच्छा, ये मैसेज में आ रहा है। हाँ, वो OTP, वो आपको भेजते थे? वो मुझे भेजते थे, तब मेरा पेमेंट होता था। अच्छा, और इसमें वो आपको ये बोलते थे कि काम छोड़ के घर संभालो? हाँ, मुझे काम नहीं करने दिया ताकि मैं फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ, और जब ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो जब वो जो चाहते हैं और जो उसकी माँ उसकी बहनें चाहती है वो जो मैं करूँ तो मुझे वो पैसे देंगे। पैसे तो, भी ऐसे देंगे मतलब? हाँ, 300 रुपये ऐसे टेस्ट के लिए। यू वॉन्ट टू ऐसे पैसे? मैं आपको बताती हूँ, आई हैव ऐसे मुझे उसको ना ये। तो ये जो बिना एनेस्थीसिया के आपका जो टेस्ट हुआ, उसके लिए आपको किस तरीके की तकलीफ आगे हुई होगी? एक तो ना संस्था के हॉस्पिटल में जाना ही अपने आप में, बिकॉज यू नो वहाँ पे थोड़े वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, एंड वो थोड़ा सा साफ सफाई थोड़ा सा वहाँ पर यू नो वो रहता है, तो ऐसे पेनफुल होता है ऐसे हॉस्पिटल में जाना। और आप एक अभिनेत्री को सुन रहे हैं जिन्हें आपने बहुत समय से देखा है, आप नॉर्मल घरों में भी होते हैं तो भी आप अच्छे हॉस्पिटल अफोर्ड कर लेते हैं, थोड़े बहुत अच्छे हॉस्पिटल जो साफ़ सुथरे हो, जो चीज़ें हो, लेकिन संस्था वाला हॉस्पिटल मतलब एक अभिनेत्री की ऐसी हालत कर देना, ये बोल के कि हमारे ऊपर रहो, हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, घर संभालो, दिल्ली आके, मुंबई आने का वादा था शायद, बॉम्बे तो हाँ बॉम्बे वो बोल ही रहे थे कि वो आएंगे आएंगे, मैं आपको मेल्स दिखाऊंगी लेटर ऑन। और वो जो डाई डाली जाती है वो आपके पूरे फॉलोपियन ट्यूब में जाती है, और वो डाई जैसे डलती है अंदर तो वो बहुत जलता है, यू नो इट्स वेरी पेनफुल। और मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको होश में लूँ, बिकॉज वो 5,500-6,000 रुपये का था, और वो इतने पैसे नहीं थे, तो अगर मुझे उसको कम पैसों में करवाना था तो मैंने उसको होश में रह के वो चीज़ की है, बिकॉज मैं चाहती थी बच्चा, वो चाहता नहीं था बच्चा, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे उसके लिए, यू नो पैसे तो थे, उसके पास उसकी नीयत नहीं थी बीवी को देने के लिए। सो ये इस तरह से ऑटो के मुझे उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजने पड़ते थे व्हाट्सएप पे। ये मीटर का फोटो है? या इससे उसको पता चल जाता था कि मैं बाहर गई तो मेरे ट्रैवलिंग के कितने पैसे हुए, मैं कितना किलोमीटर गई हूँ, बिकॉज वो मेरे पे शक करता था कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ गई हूँ, तो इसमें किलोमीटर्स वगैरह सब आ जाता, फिर वो गूगल पे चेक करता था। कि जो जनरेशन है, हम जो है, हम शायद अपने माता पिता के बिना एक कदम नहीं चल सकते, और ऐसा धोखा, ऐसा प्रेशर, ऐसा आपको एकदम कस देना हर तरफ से हम नहीं झेल सकते। आपके फादर, आई लॉस माई फादर 8 years ago, इसीलिए तो उनके लिए वो ऐसी कोई लड़की देख रहे थे जिसके घर में फादर और ब्रदर नहीं हो, तो हम जैसे चाहें उस वो लड़की को नचाएंगे, बिकॉज वो जाएगी मायके में, जाएगी किसके पास में, कोई होगा नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए। बट यहाँ वो लोग बहुत ही अनलकी निकले, मेरे दोस्त बहुत स्ट्रांग निकल गए और उनका सपोर्ट था मुझे। सो ये रहा ऊबर का ये ऊबर के से स्क्रीनशॉट उसको देने पड़ते थे कि ये इतने पैसे आए, तो वो पैसे देंगे। हाँ, वो मतलब उसको कार्ड यूज करेंगे, फिर OTP आएगा, फिर पैसे जाएंगे। ये खाने का उसको हिसाब देना पड़ता था कि बाहर खाना खाया है तो कितने में खाया है। 125 रुपए का हिसाब दे रही है? मेरे पास 20 रुपए का वड़ा पाव का भी हिसाब है इसी व्हाट्सएप चैट में। 20 रुपीस का वड़ा पाव मैंने खाया है, राशन खरीदती थी तो उसके स्क्रीनशॉट भी उसको देना पड़ता था, उसके बिल का उसको फोटो खींच के देना पड़ता था। घर में आम आए तो मेरे पास आम की भी फोटोग्राफ है कि कितने दर्जन आम आए हैं और उसमें कितने पैसे लगे, वो भी उसको देना पड़ता था। ऐसे रिलेशनशिप में थी मैं। मुझे पता नहीं कि मैं ये सुनने की ताकत इकट्ठी कर रही हूँ और वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और आप सब भी आई हैव गॉन थ्रू दिस फॉर लास्ट प्रॉपरली 3 years, आई हैव गॉन थ्रू दिस, यू नो।
मतलब आप एक बड़ा पाव खाने के भी पैसे मुझे उसको लिख के देना पड़ता था, और जब मैं उसको लिख कर देती थी तो हमारे बीच में चीज़ें बहुत ठीक रहती थी। उसको पता था कि ये कहाँ गई, उसने क्या खाया, उसके ऑटो के बिल, ऊबर के बिल, सब कुछ मेरे लिए, मेरे पास उसने मुझे मुझे नहीं, तुम ऑटो में जाओ, तुम ऊबर में जाओ, अभी आई डोंट हैव मनी टू। जबकि मेरी सास ने एक आरा में गाड़ी लेके रखी है, अपने लिए पटना में रखी है, दो दिल्ली में गाड़ी है, लेकिन बहू के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज बहू जो वो चार ही है, विधायक नहीं बन रही है, और उनको 1,00,000 करोड़ बना के नहीं दे रही है। पॉलिटिक्स में जाने का प्रेशर था। यस, मुझे, मैं वो चाहते थे कि मैं MLA बनूं। ये सोना मैंने अभी जो हाल ही में बेचा है, सोना ये लास्ट सितंबर को मैंने बेचा था, गोल्ड चार। ये उनकी तरफ से आया आपको? ये हाँ, उन्होंने दिया था मुझे ये, और ये मैंने गोल्ड बेचा। ये इसका बिल है कितने में बेचा। अच्छा, ये 1,23,000 रुपये का सोना आपको मिला? नहीं, और ये गोल्ड मैंने बेचा था, और ये गोल्ड है ना, ये जब सारे गोल्ड बेचने में मुझे इतनी तकलीफ हुई ना, बिकॉज सोना हर लोग, ये इन सब चीज़ का मेरे पास बिल नहीं था। ये मुझे उसकी मॉम ने दिया था, दिस इज 18 कैरेट में दिया था, और ये दिया था, एंड इसको बेचते वक्त आई हैड सो मच ऑफ इश्यूज, यू नो, बिकॉज उनको लग रहा था सोना लोगों को कि इसके पास बिल नहीं, तो कहीं चोरी का तो नहीं है ये, आई होप शी हैज़ नॉट रॉब्ड इट, इतना आई वॉज लाइक, यू नो। और मेरे को बैठा के अंदर आपस में खुसर पुसर बात करते रहते थे, और मैं बैठी रहती थी, एंड दे यूज़ टू से कि मैम हम चेक करेंगे, और फिर बाद में जानबूझ के ऐसा प्राइस बोलते थे ताकि मैं उनको बेचूँ नहीं, फिर मुझे कहीं और जाना पड़ता था। मैं लोखंडवाला में जिस जगह पे मैं सोना खरीदने के लिए जानी जाती हूँ, मैं उस दुकानों में अपना सोना बेच रही थी फॉर टू पे माई मेडिकल बिल्स। मेरा लीवर जो है वो डैमेज होने पे आ गया था बिकॉज ऑफ माई वेट। मैं उसको बोलती रही, प्रवीण मेरे जिम के पैसे देने, मेरे पास पैसे नहीं है, यू नो, बस तुम बॉम्बे क्यों रह रही हो, तुमको जो भी चाहिए, तुमको दिल्ली आओ, तुम दिल्ली शिफ्ट हो, तुम फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन आपकी शादी में ये तय हुआ था कि वो बॉम्बे आएंगे, घर लेंगे। या तो वो अचानक से पलट गए बाद में। हाँ हाँ, वो शादी के 48 आवर्स के अंदर ही पलट गया वो बंदा। हाँ, और वो हमेशा यही बोलता रहता था कि तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, जबकि शादी बहुत क्लियरली मैरिज ब्यूरो, मेरे फ्रेंड्स जब उसके घर गए थे, उसकी मॉम थी, वो था, उसकी बहनें थी, मैरिज ब्यूरो के लोग सब बहुत ठोक बजा के हुआ था कि लड़का बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है और वो यहाँ पर रहेगा, और मेरा बेस शिफ्ट नहीं होगा, प्रवीण अपना बेस शिफ्ट करेगा, यू नो। बट शादी होने के बाद उस समय किसी भी कंडीशन पर शादी करनी थी कि हमको मंजूर है सब। हाँ हाँ हाँ, बस लड़की शादी हो जाए, लड़की। जो आदमी ये कह रहा था कि मैं बम्बई में घर लूंगा आपके लिए, वो 150 रुपए का हिसाब और ये सब साइन करवा रहा है, या 200-200 रुपए की चीजों पे साइन करवा रहा है वो। हाँ। और ये देखिए, ये सारे वो मेल भेजा है उन्होंने, जब भी मैं बोलती थी ना कि तुमने झूठ बोल के शादी की है, और एक काम करो प्रवीण, हम ना शांति से अलग हो जाते हैं, तो वो ऐसे मुझे शांत करने के लिए वो ऐसे मेल भेज देता था ऑफिस में कि आप देखिए डेट देखिए इसमें। हाँ। डेट देखिए इसमें, लेकिन बॉम्बे आता नहीं था, ये सब उल्लू बनाता था। 4 जनवरी 2019 की एप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं फैमिली कमिटमेंट्स के लिए अनअवॉइडेबल है, मुझे काइंडली डू द नीडफुल, मतलब सिर्फ एक एप्लीकेशन है कि मैं आना चाहता हूँ। yeah. कोई ज्वाइनिंग या कोई उनकी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ. ये तो, वो सिर्फ बोलता था, वो कभी आया नहीं है, जबकि हम कभी भी ऐसे शादी करते तो प्रोसेस तो पहले हो जाना चाहिए, ये उसका इनकम टैक्स, यहाँ पे 1 करोड़ उसने 2018-19 में अपना इनकम टैक्स दिखाया, 1 करोड़। अच्छा, ये उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है? हाँ, 1 करोड़। और वो बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं घर खरीदने के लिए, उसकी माँ को विधायक बनना है, और आपको पैसे 100-150 रुपए देने के लिए पैसे नहीं है, परेशान करता है, 1 करोड़ का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ये देखिए, पीरियड्स को पेन में मुझे इतना परेशान करता था, फिर एक दिन मुझे ये फेसबुक से मिला था, तो मैंने उसको भेज दिया था कि देखो फाइनली डॉक्टर भी बोल रहे हैं। ये आपको क्या उसको बताना पड़ा कि मुझे पीरियड्स में दर्द होता है? वो मानता ही नहीं था, वो कहता था कि तुम नखरे कर रही हो, और तुम वो समझता ही नहीं था कि मुझे पेन है तो मुझे आराम करना चाहिए। मैं पेन किलर खा के सो भी नहीं सकती थी, वो मुझे उठा देता था, जैसे 4 बजे अगर मैंने पेन किलर खाया है तो डेफिनेटली मैं 10-11 बजे तक तो सो रही होंगी, बिकॉज बीइंग अ नर्स मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स में कई लड़कियों को दर्द बिल्कुल नहीं होता, जो स्पोर्ट्स में भी होते हैं, कई लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं भी उनमें से हूँ, ये भी उनमें से, वी नो इट। और उसमें इनको ये भेजना पड़ा उनको मैसेज कि
इन्होंने एक स्क्रीनशॉट निकाला कि पीरियड्स में इतना दर्द होता है कि एक हार्ट अटैक के बराबर दर्द होता है, वो अपने पति को समझा रही है। ये आप समझ रहे हैं सब बात इस, ये मतलब ये मैंने एक फाइट के बीच में मैंने लिखा था कि आई वाज वेरी क्लियर सिंस डे वन दैट आई एम गोइंग टू बी इन मुंबई। हाँ, वो मुझे हर बार के लिए बोलता था तुम्हें कुछ भी चाहिए तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा, मैं तुम्हें बम्बई में कुछ नहीं दूंगा। तो तब मैंने उसको लिखा कि मैं तो डे वन से क्लियर थी कि मैं बम्बई में रहूंगी, तो तुम मुझे अब क्यों मेरे को तुम वो ऐसे कर रहे हो, पति को बीबी को वहां रहना चाहिए। और ये मार्च की बात है 2019 की, मतलब शादी के बाद की चीजें हैं ये सब। या ये देखिए इसकी कुंडली में बहुत क्लियरली दिया था कि इसको नाड़ी दोष है और उसको बच्चा होने में प्रॉब्लम होगा। दैट्स द रीजन आई वॉज समवेयर बैक ऑफ द माइंड आई वॉज लाइक दिस कि स्पर्म काउंट सारे डॉक्टर्स बोले चेक कराने के लिए करवा लो। उसकी मॉम ने सीधा मना कर दिया, हमारे घर में सबको बच्चा हुआ है, प्रवीण का स्पर्म काउंट चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो नॉर्मली भी हम अपना अपना चेकअप करा लेते हैं हस्बैंड वाइफ, जब बच्चा अगर नहीं हो रहा होता है कोई चीज होती है तो ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन सिर्फ वाइफ का चेकअप करा लेना और हस्बैंड का नहीं कराना, वो भी एक पार्शियलिटी है। सैलरी 7,60,000 समथिंग एंड इसकी एक महीने की सैलरी है। ये शादी के पहले मुझे पटाने के लिए सैलरी स्लिप भेजा था। और ये सच में इतनी सैलरी है? Yes, उसको इतना। Can you believe कि एक आदमी आपसे 150 रुपए के खाने का और आपको एयरपोर्ट पे मना कर रहे थे कि मुझे पीरियड्स के पैड के लिए वो मुझे चिक चिक करता है। I have phone recording जहाँ वो मुझे टैम्पोन्स और पीरियड्स के पैड के लिए परेशान करता है। और 7,00,000 रुपए सैलरी के बाद वो इंसान पैड्स नहीं लेते थे, कितनी घृणा वाली बात है ये। उसको खुद को दो बहने ये इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता था कि चेक करो मेरी बीबी के नाम में है क्या, उसकी स्पेलिंग कुछ चेंज करनी होगी क्या, ताकि वो विधायक बन सके, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सके, वो बस सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो वुमन हो सके। मतलब जबरदस्ती की जा रही थी कि आप विधायक बने, जबकि वो एक एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो काम करना, जबरदस्ती दिल्ली आ जाओ विधायक बनो, ये सब चल रहा था। कौन लड़की शादी के पहले MRI रिपोर्ट करवा के देती है? मैंने उसको MRI रिपोर्ट करके भेजा था कि मुझे स्लिप डिस्क है। मैं रात को 3:30 बजे उसके साथ फ्लाइट से आती थी, वो 11-12 बजे तक सोए, वो उसके घर वालों को चलता था, स्पेशली उसकी माँ और बहनें, लेकिन मुझे सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाना है, चाहे मेरी जो भी बैक की हालत क्यों ना हो। मतलब प्रवीण भी बोलता था मेरे साथ फ्लाइंग करो, उसकी माँ बोलती थी तुम सुबह 7 बजे भी उठ जाओ। मेरा जीना उन लोगों ने हराम करके रखा था उस घर में। सपोर्ट नहीं था, नथिंग। ये इस तरह से मुझसे राइटिंग में मांगा जाता था तुम्हारी इनकम क्या है बताओ, तुम्हारा खर्चा कितना है ये बताओ, अपना एक भी नहीं उसने लिख के दिया है, एक भी नहीं लिख के दिया। ये इसमें लिखा है 81,000 इनकम माइनस बाय मंथली एक्सपेंसेस 67054 अमाउंट इज इक्वल टू सम अमाउंट इज दैट इज। ये हस्बैंड वाइफ के बीच के मैसेजेस हैं, मैं मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से वो डील कर रही हैं अकेले विदाउट फादर, मदर और ब्रदर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। ये देखिए 40 रुपये का होना चाहिए, 40 रुपये का पानी पूरी और 22 रुपये ऑटो का, ये सब मुझे उसको लिख के पानी पूरी के लिए उसको लिख के देना पड़ता था मुझे, ये सब चीज़ें कि आज मैंने 40 रुपये का पानी पूरी खाया है और 22 रुपये ऑटो के लगे हैं, ऐसे अच्छा सब उसको लिखा है 40 रुपये पानी पूरी और 22 रुपये ऑटो, ये सब मुझे सब उसको हिसाब देना पड़ता था। वो मुझे बोलता था मैं तुम्हें 20,000 रुपया देता हूँ महीने का, मैं तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ, वो पैसा जाता कहाँ पर है? तो मैं उसको हर दिन लिख के देना पड़ा कि मैं ऑटो का इतना हुआ है, पानी पूरी खाया तो इतना पैसा हुआ, जब तो बता हाँ थे। तो वो शांत रहता था, नहीं तो वो लड़ाई करता था। अगर ऐसे आपको उसको एक एक दिन का लिख कर दो तो उसका हमारे बीच में आपके बीच ये हिसाब किताब चलता था, वो प्यार वाली बातें, वो रिलेशनशिप, वो सपोर्ट, या तो वो रोता रहता था कि मुझे तो 1,00,000 करोड़ चाहिए और कुछ हो नहीं रहा है, मुझे तो फ्लाइंग करनी नहीं, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, या देखो माँ का इलेक्शन का भी क्या होता है, वो यही सब बात आधे टाइम यही बात करता था। उसका CPL हो जाता तो वहाँ से भी पैसे आ जाते थे, वो CPL करेगी तो छोटी वाली को करवाएंगे हम लोग। इट्स ऑल अबाउट मनी, दे ओनली टॉक मनी। उसकी माँ घर में ऐसे बोलती थी मैं करके दूंगी तुमको 100 करोड़। अरे यार बेटियाँ ब्याह लो, बेटियाँ ब्याह लो, 40-40 की लड़कियाँ घर में बैठी उनकी शादी कर लो, उनको उसकी कोई पड़ी नहीं है, बस मेरे को विधायक बनना है, ये हालत था घर का। वो देना हिसाब किताब या आप अपने हाथ में पकड़ो, मैं लेती हूँ। तो आजकल की हमारी शादियाँ जो भी हम रिलेशनशिप में, आप सभी कोरिलेट करते होंगे कि ये पानी पूरी का हिसाब है, ये ऑटो का पैसा है इसमें,
तीन साल की शादी जिसमें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लोग बच्चा करने के बारे में भी नहीं सोचते, लोग सोचते हैं हम जी ले आपस में, और इनके बीच में प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं है, हिसाब किताब है कि मैंने पैसे दिए वो कहाँ गए। एक एक टीवी एक्ट्रेस वेल स्टैब्लिश जिसको आप ये कह रहे हैं कि हमारे घर में रहो घर संभालो, उसका आप ये हाल करोगे? मतलब स्ट्रॉन्ग है तब चीज़ें ठीक रहती थी हमारे बीच, जब ये करते थे ना तो वो झगड़े कम होते थे हमारे बीच में। अदरवाइज ही टू ओनली आज मैं तुम्हें 10,000 रुपया दे रहा हूँ महीने का, मैं तुम्हें 20,000 रुपया दे रहा हूँ, पैसे जाते कहाँ पर हैं? वो मुझे महीने के 10,000-20,000 दिया करता था। ये देखिए, ये जब हमारा शुरू में तारीख है 9/3/2018 शुरू का हमारा डेटिंग था, जब उसने ये बोला था कि हाँ मैं घर खरीदूंगा और आप लोग घर देखना शुरू कर दो, तो ये सारे जगह हैं जहाँ वो मुझे भेजता था घर देखने के लिए। ये हमारे चैट्स हैं, ये देखिए उसने इतनी जगह मुझे उसने मुझे ये बोली, उसने मुझे ये दिखाया कि मैं तो घर खरीद रहा हूँ और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ और अचानक से चीजें खत्म हो गई। हाँ, घर ढूंढते। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर रहा, सी ऑल द फ्लैट्स, ये चैट्स हैं सारे। तो ये मेरा हालत था रिलेशनशिप में। ये इंजेक्शन्स उन लोगों को लिख के दिए थे मैंने कि मुझे माइग्रेन में ये इंजेक्शन्स लगते हैं। मैंने शादी के पहले कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छुपाई है वहाँ पर, मैंने सब बताया उन लोगों को, और ये इंजेक्शन्स मुझे लगते थे। उसके बावजूद भी उसकी मम्मी और उसकी बहनें मुझे बोलती थी मुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी। उनको फास्टिंग कराने का ये रीज़न था कि इसका वजन कम करवाना है, तो उसको फास्टिंग करा, जबकि वो जानते हैं मैं अक्यूट पेशेंट हूँ माइग्रेन की। आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो अपनी बहू को और वजन कम करना आपने शादी की। मुझे छठ बोला जाता था 36 घंटे का निर्जला व्रत करने के लिए, और मैं वो लड़की हूँ जो सुबह ना खाऊं तो शाम को मुझे ये इंजेक्शन लग रहे होते हैं। इस तरह का टॉर्चर किया जाता था मुझे, बिकॉज उसकी माँ को बहुत स्लिम ट्रिम बहू चाहिए थी और बस पतले हो, उन्होंने एक ही एजेंडा रखा था, पतली हो और पॉलिटिशियन से मिलो, पतली हो और पॉलिटिशियन से मिलो, अदरवाइज़ और उनको कोई मुझसे मतलब ही नहीं था। वो आज तक बंद नहीं, मुझसे ये नहीं पूछी है कि पोता कब हो रहा है पोती कब हो रहा है, मतलब ही नहीं उनको। जो अपनी बेटी ना भी आई वक्त पे दूसरे के लिए क्या बोलेगी, पे उसके अकाउंट में। अच्छा, ये हाँ अवेलेबल बैलेंस 15,15,9,62। जब भी पैसे कुछ मांगो इस तरह के लिए तो इसे आई डोंट हैव मनी। यहाँ पे भी बहुत पैसे हैं, 11 लाख पैसे हैं, बट पैसे हैं बिजनेस में लगाने के लिए, पैसे हैं माँ को विधायक बनना है उसके लिए पैसे हैं। उसकी माँ इस दिन मैंने तुझे जमीन बेच के पायलट बनाया, अब तुम सब लोग मुझे विधायक बनाओगे। अरे और जिम्मेदारी बना के उनकी कोई जिम्मेदारी मतलब नहीं, उसे कोई मतलब। दिस इज द FIR कॉपी जो अभी हमें मिली है। तो ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ से और जो आपके आसपास हैं सब उनकी मदद से आपने FIR की है? हाँ। आपके लिए मुश्किल मेरी रहा मेरी नहीं वैदिका अगर नहीं होती, मेरी लॉयर वैदिका। अच्छा, ओके। तो मैं मतलब मैं मुझे नहीं पता मेरे को और कितना टाइम लगता था ये सब करने के लिए। वैदिका थी तब जाके बहुत स्मूथ चीजें हुई। आपको वैदिका ये FIR की कॉपी है, और आई एम टेलिंग यू इतना मतलब मेरी जो लॉयर है वैदिका चौबे, वो और उसकी टीम, उन्होंने इतना मेहनत किया है, एक दिन में उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, और मतलब वो शी इज़ नॉट ओनली अ लॉयर, शी इज़ लाइक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एवरीथिंग, फैमिली मेम्बर, शी इज़ माई साइकोलॉजिस्ट, एवरीथिंग। उसने मुझे बैठ के ना कितने बार मतलब वो साइकाइट्रिस्ट जो हेल्प होती है, साइकोलॉजिस्ट होती है, जो सुनना चाहिए होता ना कि इतना प्रॉब्लम है, था मैं उसके ऑफिस जाके घंटों बैठती थी और मैं वहाँ रोती थी इन चीज़ों तो से, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हम करेंगे। आपको इस सब में डिप्रेशन और आई है आई दो बार मैं अंबानी डॉक्टर्स दिखा चुकी हूँ। मैं अक्यूट डिप्रेशन में थी, मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी, मैं घंटों एक जगह बैठ के सोचती रहती थी कि मैं ये बंदा ने क्या दिखाया अपने आप को और ये क्या निकल गया है, यू नो ये फैमिली कैसी निकल गई है। मतलब मैं नंब थी मैं लिटरली कि मैंने कहाँ शादी कर ली, ये इतना बड़ा धोखा कैसे दे रहे हैं ये लोग मुझे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बदमाश फैमिली, इन्होंने पिछली के साथ भी ये किया, ये मेरे साथ भी यही कर रहे हैं। आपको सुसाइडल अटैक्स? एब्सोल्यूटली, आई एन नंबर ऑफ टाइम्स, जब मुझे मेरे घर से भी इतना सपोर्ट नहीं था और मेरा फाइनेंस जो मेरा मेन बैकबोन था, जब उसको मेरे हाथ काट दिए और मेरे को ऐसा लग रहा था, और मुझे सब जगह मेरी बदनामी करते थे कि सुरभि इज़ बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी, 10,000 रुपीज़ यू आर गिविंग मी, आई एम बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी,
और मेरी जाके सब जगह बदनामी करते थे कि अरे वो तो सेलिब्रिटी है, उसको तो ऐसे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये करना है, वो करना है, मतलब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं। और मैं आई वॉज लाइक मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ यार, मैं मर जाऊँ इससे तो अच्छा मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप लोग जाके मेरी बदनामी कर रहे हो सब जगह पे। एंड शुरू में सब लोगों को लगता था ओह मैं तो कैप्टन हूँ ना, मेरे को तो स्ट्रेस देती है सुरभि, मैं तो इतने 700 करोड़ की फ्लाइट उड़ा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग थ्रू, आई वॉज थैंक यू, आई वॉज गोइंग थ्रू शिट। बहुत आगे आ गई है तो ऐसे हमारी इंडस्ट्री में खासकर लाइफ बहुत मुश्किल होती है और ऐसी चीज़ों से हम गुजरते हैं जब हमें समझ नहीं आता क्या करना है, और सुसाइड तक चले जाना मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई इंसान ये सोच ले कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उसे टैकल करके वापस आप सभी के सामने इतनी स्ट्रांगली बैठना बिना परिवार के सपोर्ट के, वो अकेली यहाँ पर खड़ी हैं, इसलिए हम सब को उनके साथ खड़े रहना, इसलिए मैं उनके साथ खड़े होने आई हूँ। और यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यू आर मोस्ट ब्यूटिफुल, मैं तो फैन थी शुरू से, इतनी सुंदर और आप उसके साथ साथ इतनी स्ट्रॉन्ग भी हैं। अनडाउटेडली वो बहुत पोलाइट है तो उसका फ़ायदा उठाया गया है और एक इंसान को सुसाइड की हद तक पहुँचा दिया, ये सबसे बड़ा क्राइम है। इसके पीछे सारी बातें छोटी हो जाती हैं कि आप किसी को इस हद तक मजबूर कर दो कि वो अपनी जान जिस पर आपका हक नहीं है वो देने पे मजबूर हो जाए। तो मुझे बॉम्बे आने नहीं देते थे, मेरे नीचे फ्लैट में सीपेज हो रहा था तो उन्होंने बोला प्लीज़ आके कर दो, तो वो बोलते थे नहीं नहीं तुमको तो वहाँ मटर गस्ती करने के लिए जाना है, तुमको तो यहाँ रहना नहीं है, देना पड़ता। तो मुझे उसको फोटोग्राफ खींच के कि जेन्युइनली बाथरूम में नीचे सीपेज हो रहा है, मैं रिपेयर करवा रही हूँ, मुझे उसको फोटोग्राफ दे के प्रूफ देना पड़ता था, तब जाके वो चारों जो हैं वो जाके शांत होते थे। ये हो चुका है 240 रुपये का, ये इस तरह। हाँ सो अब वो जो है वो सम गणेश उत्सव करना चाह रहा है, उसको बेसिकली फ्लाइंग करनी नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं कोई भी, और वो कुछ ना कुछ सम पॉलिटिशियन समथिंग, फ्लाइंग करनी मतलब काम ही नहीं करना अपने प्रोफेशन में, उसको फ्लाइंग नहीं करनी, उसको सेठ बन के बैठना है, उसको बिजनेसमैन बनना है जहाँ वो सिर्फ जाके ऐसे बॉसगिरी करके घर आ जाए, बहुत उसमें पैसा हो। तो अब वो कोई गंग उत्सव कुछ कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है उसके लिए, और वहाँ के पॉलिटिशियंस से जाके बिहार में मिल रहा है, और उसके लिए भी मुझे टॉर्चर किया जाता था कि मैं डायरेक्शन करूँ, जबकि सी इंडस्ट्री में मैं एक्टर हूँ, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग यू नो। तो मैंने कहा प्रवीण मेरा नाम खराब हो जाएगा अगर मैंने गंदा डायरेक्ट किया तो मुझे फोर्स मत करो। लास्ट सितंबर जब वो आया था तो ही वॉज फोर्सिंग मी अगेन, ही वॉज लाइक आप पॉलिटिशियन से मिलो। आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू मीट प्रवीण, मुझे नहीं मिला। उसकी माँ बार बार उसको भेजती थी कि जाओ जाके इसको बोलो पॉलिटिशियन से मिले, एंड मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करके बिजनेस में फंड और ये सब चीजें, मुझे शादी की गई थी मेरे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, दैट्स इट। ये हमें उसकी मॉम ने उसका मॉम का भेजा गया था शादी के टाइम पे, हाँ, जबकि ये उस वक्त वो पोस्ट पे थी भी नहीं, बट ये भी झूठ हमें भेजा गया कि वो इस पोस्ट पे हैं। अच्छा, श्रीमती लीला सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश। आप अगर प्लीज, मैं प्रवीण की फोटो देखना चाहूंगी, I'll show you. मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग कैसे दिखते होंगे, भोले दिखते हैं कैसे फंसाया उन्होंने, और आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज फेस जो ऐसा कर सकते हैं किसी अपनी वाइफ के साथ, मतलब किसी औरत के साथ नहीं, अपनी वाइफ के साथ। घर में देखिए इस तरह के ना ये छोटे छोटे लड़के वो रखते थे एज हाउस हेल्प, और मुझसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता था वहाँ पर। ये देखिए इतने छोटे छोटे लड़के इनको रखा जाता था नौकर। ये रहा दूसरा, सॉरी वेयर इज दिस गाय, और मुझे बोला जाता था कि आप इनसे काम करवाइए, दिस इज एब्सोल्युटली चाइल्ड लेबर। प्रवीण की बहन श्वेता सिन्हा जो ये बोलती थी कि मेरी शादी तो तूने होने नहीं दी, अपनी शादी कर ली, मैं तेरी शादी टिकने नहीं दूंगी, मुंह पे प्रवीण को बोलती थी। और ये प्रवीण की छोटी बहन है शिल्पा सिन्हा, ये जो है वो घर में काम नहीं करने देती थी मुझे, बहुत परेशान किया, और शी वॉज द वन जिन्होंने ये बोला है कि आप इस घर के बाहर निकल जाइए, आप दोनों अब यहाँ रह नहीं रहेंगे। सबके सामने जलील किया, घर का नौकर था राजू भैया, मेरे ससुर वहीं खड़े थे, मेडिकल अटेंडेंट हीरा लाल, कुछ इस समय कुछ नहीं बोले वो,
वो उठे, अपने मेडिकल अटेंडेंट का हेल्प लिया, वो दूसरे रूम में चले गए और ये दोनों लड़कियाँ चिल्ला रही है मुझ पर कि तुम मुस्लिम मसाज वाली कैसे घर पे लेकर आई हो, कैसे वो, अरे तुम्हारी माँ BSP से इलेक्शन लड़ रही है और तुम जो है वो काले लोग नहीं लाना चल के। ये प्रवीण की मम्मी है, छोटी जाति के लोग नहीं लाना है घर में, काले लोग नहीं लाना है और मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। उसने हमारे घर का चूल्हा कैसे छुआ, वो तेल गरम की थी, मेरे पैर में स्वेलिंग थी बहुत। आप आज के समय पे जहाँ पे सारे देश विदेश में सिर्फ एकता की बात चलती है, वहाँ पे आप घर में टॉर्चर कर रहे हो अपनी बहू को कि मुस्लिम नहीं आने चाहिए, मसाज वाली मुस्लिम थी वो प्रॉब्लम हुई, काले लोग नहीं चाहिए और जात की छूट नहीं चाहिए। जात क्या होती है, हमें तो आज के समय में तो मुझसे तो इसलिए पीछे पड़ के शादी क्यों होंगे बिकॉज मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गोरी हूँ। तो वो तो अब ये इनके हाथ में नहीं था कि ये गोरी पैदा हो या काली पैदा हो या कोई ब्राह्मण हो या वो जहाँ थी उनको प्री प्लान करके, क्योंकि उन्हें काले लोग पसंद नहीं है। तो इसलिए शादी की थी बिकॉज मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गोरी हूँ, उनके उनके पैरामीटर्स पे फिट थी। या दैट्स व्हाई, क्योंकि बाद में पता चला कि काले लोगों से प्रॉब्लम है, छोटी जाति से प्रॉब्लम है। और ये दिस इज प्रवीण की मॉम मिसेस लीला सिन्हा। तो झूठ भी बोला था उस समय, पोजीशन पे थी नहीं लेकिन आपको ये बना के भेजा था इनको शादी से पहले का दिखावा। ये क्राउन था जो उन्होंने मुझे पहनाया था और बस उनकी पब्लिसिटी होगी, फिर उन्होंने क्राउन कहने को तो सबके सामने पहनाया। वो कई बार ऐसे जेवर ऐसे करती थी जो सबके सामने ऐसे दिखाती थी कि दे रही है और बाद में नहीं देती थी मुझे, पहनने के लिए भी नहीं देती थी। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, दैट्स द वे, बस हमारा काम हो गया ना, बस अब नहीं देना है, लाइक दैट। तो ये हालत है, ये मेरा चीज की पब्लिसिटी करवाना चाहते थे। ये स्त्रीधन है जो मेरा, जो मुझे लौटाया नहीं गया है, ये सारा स्त्रीधन है जो मुझे दे नहीं रहे हैं। अगर ये स्त्रीधन मेरे पास होता तो शायद मुझे अपना सोना नहीं बेचना पड़ता था, मैं यही कुछ अपना चांदी वगैरह कुछ करके कर लिया था, ये दिया था शादी में हमने उसको, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं लौटाया गया, दे भी नहीं रहे। अच्छा, तो इनका स्त्रीधन भी नहीं दिया जा रहा है इनको वापस। तो आप सबने बहुत कुछ सुना सुरभि जी से, उनकी तकलीफ सुनी है। मतलब मैं ना, मेरे पास 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक के सबूत हैं, आप कितना देखेंगे, आप थक जाएंगी। और मैं उनको देख देख के पहले तो मैं बहुत ब्रेकडाउन होती थी, मैं घंटों रोती थी, अकेली भी थी लॉकडाउन में यहाँ पर, बट अब तो मेरे, मतलब मेरे आंसू भी सूखे और आई थिंक अब मैं वो इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकल के, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ महसूस हो रही है। आप मत रोइए क्योंकि आपको लड़ना है और हम सभी साथ हैं आपके, और आप प्लीज़ फाइट करिए और इस सबसे निकलिए, वापस स्क्रीन पर देखिए, मुस्कुराइए। एब्सोल्युटली, यू आर द बेस्ट, एब्सोल्युटली, एंड द लव एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर नाउ, फ्रॉम माय रिलेटिव, माय फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर, आई एम मिलेगा आपको blessed. क्योंकि आप सही हैं। तो अच्छा लगा मुझे बहुत आपसे। बहुत मुझे ना वो आई वॉज व्हाट्सएप के भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी पोस्ट पे बहुत मैसेजेस आए हैं मेरे, इतने पुराने, मैं इनका चेहरा देख के दौड़ी दौड़ी चली आई। ऐसे कितने लोग मिलना चाहते होंगे पर मैं प्रिविलेज थी, मेरा फोन बज रहा है कंटिन्यूसली, मेरा फोन बज रहा है, एवरी वन इज सेइंग सुरभि तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, यू नो। एंड अभी तो आपने सारे सबूत देखे, जैसे अभी क्यों, तुमको तो बहुत पहले बोल देना चाहिए था, बहुत पहले ये सब चीजें आ जानी चाहिए थी, तुमने क्यों 3 साल का वक्त क्यों लिया तुमने, यू नो। हाँ मैं इसीलिए शायद चुप थी बिकॉज आई वॉन्ट टू कि वो बॉम्बे आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी हम दोनों के बीच में, जब हमें एक छत के नीचे रहेंगे तो एक छत के नीचे तो रहने का मौका ही नहीं मिला हमें। तो मैं इसलिए, एक लड़की शायद इसलिए चुप रहती है कि यार लेट इट गो, लेट इट गो, यू नो, बट देन इट वॉज हाई टाइम, हाँ भी लेट इट गो नहीं हो रहा था। सो हम साथ हैं, बी स्ट्रांग, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स।